नमस्कार, हेलो आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल और मैच नंबर 22 सीपीएल 2020 के प्रेडिक्शन गेम प्ले वीडियो में आपका स्वागत है। बारबाडोस भी रहा है यहाँ गोआना से और हम बने हैं गोआना की टीम। आज की टीम आपके सामने मैच के लिए, वक्त हेड्स के साथ बढ़ता हुआ गोआना यहाँ पर निगाहें होंगी। टॉस जीत कर फिर से हम लेना चाहेंगे बैटिंग ही। अभी हाल फिलहाल हम लोग इस गेम प्ले में थोड़ा सा उल्टा खेल रहे हैं, थोड़ा टफ चीज़ को चुन रहे हैं, लेकिन टॉस जीता है बारबाडोस ने। देखते हैं क्या फैसला लेते हैं ये हार्ड डस्टी डे वन की पिच पर। बॉलिंग में आ रहा, बैटिंग हमें मिल गई है भले दूसरे तरीके से इसे टॉस हार की। मैच का होता हुआ शुरुआत, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं ही किया है चैनल पे तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। अगर पसंद आता है तो कमेंट करें कोई सजेशन हो अभी के लिए, क्योंकि आ गई है बारबाडोस की बॉलिंग टीम, फील्डिंग टीम यहाँ पर ओपोनेंट को रोकने के लिए। और बैट्समैन आ चुके हैं बड़े टारगेट को मन में लेकर, सेट करेंगे उसको पिच के ऊपर रन बनाते हैं। होल्डर गेंदबाजी में और पहला शॉट किंग का, किंग की तरह करेंगे शुरुआत, चार रन जोड़ा है। बेहतरीन बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर हमारी। अभी सेट होकर खेल रहे हैं ब्रैंडन किंग, 100 का मौका है इनके पास। रोस टेलर नए खिलाड़ी, हम सबको मालूम है सीपीएल के सबसे बेस्ट हमारी गेमिंग सीरीज के प्लेयर निकल के आए हैं रोस टेलर। यहाँ पर गेंदबाजी का रिजल्ट आपके सामने, फटाफट शुरू करते हैं गेम प्ले से ही। शुरुआत हो रही है आज भी, पहला शॉट हाल फिलहाल मिस किया है, लेग बाय मिलेगा, मैं दो ले ले रहा हूँ, कीपर का कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, तीन ले ले रहा हूँ मैं, कीपर काफी ढीले डालने लग रहे हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने उम्मीद नहीं की होगी कि उन्हें जाके कैरी करनी पड़ेगी। हमारा पहला रन आता हुआ, तीन रन लेग बाय होगी। टेलर बेहतरीन फॉर्म में लग रहे हैं आज भी, मिस किया हाल फिलहाल, अच्छा बाउंस मिला होल्डर को। टेलर एक बार फिर सामना करेंगे, ग्राउंड शॉट के साथ जा रहे थे, ये बहुत दूर अजीब सी जगह रख रहे हैं पिच पे, ऐसी जगह है जहाँ पे आप फ्रंट फुट पे नहीं जा पा रहा बल्लेबाज, पीछे ही खेल रहा है और बाउंस मिल जा रहा है वहां से, तो बीट हो रहे हैं लगातार। अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है, यहाँ पर भी सिर्फ एक ही आता हुआ तो बेहतर जा रहा है वो। किंग यहाँ सामना कर रहे हैं यंग का और स्ट्राइक ही रोटेट करा पाएंगे अभी। टेलर तैयार और ये फिर से आज सुबह वाले मैच में भी हम लोग ऐसे ही आउट हो गए। सामने का जो एंगल बन रहा है राइट आर्म का, ये एक नई कमजोरी बन के निकला है मेरे लिए। क्लम पहल भी थे इसलिए डीआरएस का कोई सवाल ही नहीं उठता यहाँ पर। निकोलस पूरन अगले बल्लेबाज, यहाँ पे 2000 कर चुके हैं ऑलरेडी। लेफ्टी को भेजा है ताकि बड़े हिट कर सकें और पहला ही शॉट हाथ का कैच को कॉल दिया है लेकिन नहीं कर पाएंगे कैरी, चार रन। लेफ्टी को भेजने का फैसला सही रहे अभी तक तो लग रहा है, लेकिन फिर कुछ दूरी से मिस किया है या रन आउट। स्ट्राइकर एंट्री हो सकते थे थोड़ा बहुत, लेकिन नॉन स्ट्राइकर पे तो सेफ है। नौ बॉल भी मिली है, टीम की इनिंग अभी थोड़ी सी साइड में हो गई है क्योंकि टीम जीतना ज्यादा जरूरी है। अब फिर से क्लोज होता हुआ लेकिन छह दे के जाएगा, फ्लैट सिक्स, बहुत बढ़िया, पहला बड़ा सिक्स लगा है हमारी आज के मैच का ये। और फुल शॉट खेला था, वही है कि ऊंचा नहीं जा रहे, सारे शॉट अभी फ्लैट जा रहे हैं, क्लोज जा रहे हैं। चार में 14, एक बार फिर खेला, इस बार गैप में लग रहे हैं शॉट, ओवर में वसूली कर ली, पिछले ओवर की जो कमी थी, जो अच्छी डाइव थी होल्डर ने बर्बाद हो गई। किंग पहली बार स्पिनर का सामना करेंगे हम लोग, बड़े शॉट का चुना है, काफी देर से वो जो गेंदें खेली है दो तीन वो डिफेंसिव खेल रहे हैं, एक चौका ऑलरेडी खा चुके हैं, फिर से गलत गेंद की है। इतना ज्यादा ऑफसाइड देने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट स्टंप कोई तो स्टंप टच कराओ गेंद को। 92 रन्स और इस बार जल्दबाजी कर दी, अब किस्मत पे ही है ये ड्रॉप, तो चांस रहेगा लेकिन इस तरह के कैच, मैंने एक चीज नोटिस की कि टफ कैच ये एआई नहीं ड्रॉप करता है, ये क्यों लॉजिक है मुझे नहीं मालूम लेकिन नहीं ड्रॉप करता। और ये बहुत ही बड़ा विकेट हमने खो दिया है यहाँ पे, क्योंकि 100 के करीब थे किंग, सेंचुरी से हाल फिलहाल मिस करेंगे। रशीद ने कोई गलती नहीं की कैरी करने में, 53 में 92 लाजवाब इनिंग यहाँ हो रही है पूरी। सरफाने रुदरफोर्ड लेफ्ट हैंडेड दोनों तरफ से आ गए हैं, अब नर्स ने अच्छा काम किया, स्ट्राइक चेंज साइड चेंज कर दिए, शॉट हम लोग पहला मिस करेंगे, रन भी कैंसिल करेंगे, आउट हो जाते हैं। आखिरी दो गेंदें इस ओवर की, बड़ा शॉट पूरा किया है, 6 ऐड किया स्कोर कार्ड में, पूरा रन का एक और बड़ा शॉट, 7 में 24। अगली गेंद यॉर्कर अपील में, रन भी निकाल लेने की कोशिश की है, चलिए सफलतापूर्वक रन तो ले लिया है, अब एम्पायर की तरफ से ना आ रहा है, अब डीआरएस अगर लेते हैं तो आगे बात बढ़ेगी वरना नॉट आउट। रदरफोर्ड और पुल शॉट फील्डर के नजदीक से ही, 4 नए ओवर का शुरुआत, लाजवाब रन रेट, अब धीरे धीरे हम 200 के ऊपर का सपना देख रहे हैं यहाँ पर से।
लेफ्ट हैंडेड के आने के बाद से गेम बदल गया है और ये एक और फ्लैट पावरफुल रदरफोर्ड का एक और चौका, तो बैक टू बैक रदरफोर्ड फिर से एक बार फिर थोड़ा सा इस बार लेकिन मिड विकेट का हिस्सा थोड़ा बहुत टच करके गया है, लेकिन चार रन स्कोर कार्ड में ऐड कर रहे हैं, हैट्रिक लगा दिए चौकों की और होल्डर आए हैं समझाने, साइड चेंज करें तो कुछ हो सकता है, मुझे बाकी तो नहीं लग रहा। तीन गेंदे 12 रन, एक बार फिर से सेम गेंद सेम रिजल्ट, चार चौके लगे। अभी देखें आखिर दो गेंदों में क्या होता है। अब तो मैं बड़ा शॉट ही ले रहा हूँ, जब खुल के खेल ही रहे तो पूरा खुल के खेले, विकेट तो है गंवाने के लिए। 6 एक्स्ट्रा, एक और चौका, इस बार थोड़ा सा अलग गेंद आया था पर वहां पर भी रन बटोर हैं। 5 चौके लग चुके हैं, क्या 6 में 6 चौके लगेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। रदरफोर्ड तैयार बड़े शॉट के साथ और अनफॉर्चुनेटली ये रुकेगा, अधूरा रह गया सपना। एक बार फिर मैं रन कैंसिल करा रहा हूँ क्योंकि हमारा जो स्ट्राइकर है एंड पे आने वाला प्लेयर वो पीछे। फाइनल ओवर के लिए स्पिनर नर्स को चुना है जो कि बहुत बड़ी गलती लग रही है इस वक्त मुझे, क्योंकि रदरफोर्ड जैसे खिलाड़ी के सामने आप पैरों पर डाल रहे हो गेंद, तो ये तो होना ही था। 6 रन पहली गेंद पर, फिर एक अच्छी शुरुआत तो मिलती हुई हमें। दूसरा गेंद लास्ट टाइम भी नर्स को, इस बार गलती नहीं, बल्लेबाज की गलती है, गेंदबाज की कोई बहुत खास गेंद नहीं, जैसा शॉट सिलेक्शन हमने गलत कर दिया। क्रेडिट जाएगा यहाँ पे फील्डर को भी कि इस गेंद को कैरी किया, क्योंकि ऊंचा था एंड एयर ही थे, हाँ एयर में ही थे जब कैच किया गेंद को, और सरफैन उधर पर एक बढ़िया अग्रेशन वाली पारी खेल के आउट हुए T20 फॉर्मेट के हिसाब से। बॉल आते हुए गेंदबाज है लेकिन आज बैटिंग करेंगे। 3-4 गेंदे और जम के खेला है शॉर्ट फील्डर, अच्छी बात है कि शॉट बहुत शॉर्ट पोजीशन में थे वरना 38 में होते तो आउट हो जाते। 2 रन ओवर थ्रो, रन दौड़ तो रहे हम लोग लेकिन फिर वापस हो जाए। चौथी गेंद बहुत दूर रखी है, वाइड रखती, ऑलरेडी आप ऑलरेडी रन दे रहे हो, इतना ऊपर से वाइड के भी रन। पूरन तैयार स्ट्रेट में चुना है, अब ये बहुत ज्यादा स्ट्रेट, ऊंचा तो ठीक है ना, ऊंचा गया है ना, और ये लीजिए अब ये थोड़ा सा आउट ऑफ उम्मीद हो गया है हमारी, आउट ऑफ उम्मीद यहाँ पे कैच छोड़ते हुए फील्डर, अब बदलाव कर तो रहे। गेंदबाजी में फ्लॉप, फील्डिंग में फ्लॉप, लेकिन अगले गेंद पे भेजा है पूरन को आउट करके गेंदबाज में, कीपर को जाएगा क्रेडिट, इतने क्लोज कैच छूटने के चांसेस भी रहते हैं। कोशिश सिंपल सारी स्ट्रेट में मारने की थी लेकिन एज लगा और विकेट होते हुए यहाँ पर निकोलस पूरन, ये भी अच्छी पारी खेल के गए जैसा एक डेथ ओवर्स में चाहिए होती। ग्रीन आते हुए कप्तान यहाँ पर 200 प्लस का स्कोर कर दिया, मतलब ये वन साइडेड तो पूरा होगा नहीं, एटलीस्ट हमारे साथ यानी सामने वाले की तरफ से जीतने के चांसेस कुछ कम है वन साइडेड। अंत में भी 6 लगा के इनिंग को किया है पूरा यहाँ। तो ये है इनिंग का पहली इनिंग का हाल, पहला हाफ हमारे मैच का। 214 पे 6 स्ट्रॉन्ग लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है यहाँ से गोवाना हार सकता है। बैटिंग में 92 किंग लाजवाब, उसके अलावा छोटी छोटी पारियां देखने को मिली 3 शिमन हेटमायर, निकोलस पूरन, सरफाने रदरफोर्ड, और गेंदबाजी में ये 3 निकाला नर्स ने, सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं। देखते हैं गोवाना कितना फाइट बैक देता है, और अगर फाइट बैक देता है तो चांसेस बनेंगे उनके कुछ, गोवाना नहीं बार बार डॉस ट्राइडेंट्स को कह रहा हूँ। चार्ल्स और होप इसी होप के साथ आए हैं कि यहाँ पर एक अच्छी शुरुआत दिलाएंगे। क्रिस ग्रीन को दी गई है पहली गेंद, तान ही पहली ओवर ले लिए और पहली ओवर पे हाल फिलहाल चौका खाया है, देखते हैं ऑटो प्ले क्या करता है। रनों में तो टक्कर दे दी हमको, विकेट में थोड़ा सा पीछे रह गया, 3 विकेट 2 विकेट एक्स्ट्रा गिर चुके हैं। नावेद उल हक ने विकेट लिया है यहाँ पे, खेल रहे हैं जेसन होल्डर जो कि हर बार बड़ा रोल प्ले करते हैं बारबाडोस की इनिंग में, और नर्स साथ दे रहे हैं यहाँ पे। ये है हाल यहाँ पे, नेड स्पिनर गेंदबाजी करने के लिए पहली गेंद और पुल किया इसको स्क्वायर पर से 1 बाउंस फील्डर के पास, रन 1, और कंफ्यूज लग रहे हैं यहाँ पर दोनों खिलाड़ी अंत में, लेकिन निकाल लिया रन। नर्स पूरा विश्वास था नर्स को, होल्डर ना करें। इस गेंदों में 85 रन करने का टारगेट है आपको, ये ध्यान रख के खेलना होगा, ये बेहतर है। 6 रन होगी बेहतरीन, इस तरह के शॉट में हर बार कहता हूँ खेलने की इच्छा है लेकिन ब्रेक की तैयारी। इस बार थोड़ा सा पैरों पर से जैसा कि देख सकते हैं विश्वास है, और ये कैसे बच गए, दिखा नहीं ऊपर से चली गई, मिस कर रहे हैं होल्डर, पिछली गेंद पे किया था, इस बार नहीं, इस बार कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं खेला है, शॉट फ्लिक किया है आसानी से, 6 रन ऐड करेंगे। ये ओवर में एक्सपेरिमेंट कर ही रहे हैं तो कर ही लेते हैं पूरा। नुकसान लेकिन हुआ है ज्यादा ही कुछ नहीं, पीछे 12-4-16-17 रन का ये ओवर। टीमा पॉल के 3 ओवर बाकी, और क्या चाहिए, निकाल ले जाएंगे मैच आराम से। पहली गेंद डॉट, एक्स्ट्रा बाउंस, एक्स्ट्रा पेस दिखता हुआ, मौका था थोड़ा सा,
यॉर्कर के साथ रेडी और कुछ बड़े शॉट लग गया है चार यहाँ नर्स का। ये थोड़ा सा एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि चार जाएगा, दो मैक्सिमम सोचे थे, लेकिन शॉट में पावर था इसलिए पेस था, आउटफील्ड इतना रोक नहीं पाई इसे और चार। से हम लोग आ गए सीधी गुड लेंथ गेंद की तरफ, लेकिन नर्स मेरे ख्याल से पहली हुए गेंद की गलती से समझ गए, छह रन मार गए हैं। 18-27 पे यॉर्कर की मदद ली है, हर फिलहाल ये भी गैप में जा रहा है, हर गेंद को मारा है हमारी क्रॉसिंग गुड लेंथ यॉर्कर, और अब इस बार यॉर्कर को भी लपेटे में लिया है। एक बार सीधी गेंद जो थी गुड लेंथ वो मिस किए थे। यहाँ पर कप्तान सजेशन के साथ आए हैं, कुछ चेंज करने को चाहेंगे, यहाँ पर ओवर रख देने गुड लेंथ से। नहीं 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 इतना मुश्किल होगा ये मैच, ये नहीं सोचा था। दो चौके यहाँ पर बैक टू बैक लगाए वो भी चार गेंदों में, टोटल हो गए हैं 20 रन। रेट गिरता हुआ स्लोअर गेंद डाली है, पैरों पर है लेकिन लेफ्ट साइड जा रही है, अपील बेकार होगी, नॉट आउट आएगा अंपायर की तरफ से। सीधी गेंद अगली बार स्विंग कराई थी और मुझे पता था क्योंकि मेरे ख्याल से इस बार भी शायद स्विंग की उम्मीद कर रहे होंगे। एज लगाए और सिंगल, साइड बदल के एक्सपेरिमेंट के मूड में है और क्रॉस गेंद का फायदा मिला है यहाँ पे। नर्स को कराया है भीड़ बलिया, तो बड़ा शॉट ही था बल्ले पे, फिर से क्रॉस, एटलीस्ट लेग साइड पे मैं नहीं चाहता ये खेले, खेल गए लेकिन, और चौका मिला है इस बार। रन रेट पर गेंद 3 गया था लेकिन इस चौके के पिछले चौके से मदद मिली यहाँ पे, लेकिन एक यॉर्कर पे बीट हुए शॉट। कीमो पॉल का ओवर गया था खराब, अब देखना है यहाँ पर क्या होता है। फील्डर दौड़ तो रहे हैं अब, यार ये तो पहले ही छक्के के अंदर है, ये कहाँ से पकड़ेंगे, अरे यार क्या जोक है। 6 रन यॉर्कर 11-35 रन रेट अभी भी 3 के ऊपर है, बहुत बढ़िया कीपिंग। 4 ओवर 10-35 फिर से यॉर्कर, लगातार मैं यॉर्कर ही करूँगा इनको, लेकिन 4 चला जाएगा ये फिर से नहीं सोचा था मैंने, वो भी ग्राउंड शॉट में। 9-31 फिर से यॉर्कर, इस बार गोल, बहुत रूम दे रहे थे, बहुत बार रूम दे रहे थे, इस बार बॉटम टच हुई है और मिस किया पूरी तरह से गेंद को, बोल्ड कट एंड बोल्ड यहाँ पर, और एक बड़ा विकेट आखिरी कुछ गेंदों में खो दिया है होल्डर के रूप में। 17 मैच रशीद खान आते हुए यहाँ पर, 4-14 अब तो मुश्किल लग रहा है यहाँ से वापसी, अब तो मुश्किल लग रही है, इनसे मुझे उम्मीद नहीं है रशीद खान से। एक छक्का अगर लगा देते हैं तो थोड़ा बहुत चांस बनेंगे, लेकिन बीट हुए हैं, मैंने कहा था कीमो पॉल वापसी करें, बदलाव कर रहे हैं, देखते हैं साइड चेंज रशीद खान के लिए, और बहुत ही खराब शॉट, स्विफ्ट शॉट एक्चुअली लगता ही नहीं, ऊपर से वो ग्राउंड शॉट ले रहे हैं। नर्स से थोड़ी उम्मीदें हैं, बाकी तो सब घायल लग रहे हैं मुझे। यहाँ फिर से सेम स्क्वायर लेग पे शॉट, बर्बाद कर दी 3 गेंदें, बिल्कुल बर्बाद कर दी। रशीद खान तैयार, स्टंप पे गेंद, स्क्वायर पे खेला है, मिड विकेट जा रही है गेंद, और पहला चौका इस ओवर का, हाँ तो निश्चित है बहुत बहुत बहुत, पता नहीं कितनी किस्मत हो तब जाके इस मैच का रिजल्ट बारबाडोस की साइड जा सकता है। अभी के लिए हारता हुआ बस फाइट बैक डिफरेंस कम कर रहा है हार का और अपने स्कोर के बीच। तैयार ताहिर विकेट नहीं ले पा रही, थोड़ा मुझे अफसोस है, फिर से मिड विकेट के उसी हिस्से पर से 4 निकाल दिया है। आखिरी गेंद और मैच समाप्त होगा 2 के साइज पर, उसके अपोजिट दिशा में ऊपर की तरफ से खेल दिया है। तो ये है हाल, गुआना में जॉन वॉरिस जीतता हुआ 15 रनों के, और देख ये है मैच समरी आज की। मैन ऑफ द मैच एस्ले नर्स बने बारबाडोस ट्राइडेंट से अपने ऑलराउंडर परफॉर्मेंस की बदौलत, अब देखना है रियल लाइफ से कितना मिलता जुलता रिजल्ट आता है। अभी के लिए मैं ले रहा हूँ विदा, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना सपोर्ट प्यार हमारे वीडियोज़ और चैनल पर देते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।